अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। Hey guys, assalamu alaikum, I am Sana Aman and welcome back to another video. So guys, आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने परचेज की हैं, ऑनलाइन परचेज की है, इसकी प्राइस क्या है और इनको अप्लाई कैसे करेंगे, इनका रिजल्ट वगैरह सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम से ही स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मुझे एक पेज स्पॉन्सर जो हुआ हुआ था पेज वो मुझे शो हुआ, तो मैंने लैशेस देखी। इससे पहले मैं जो था वो बहुत ही ढूंढ रही थी इस तरीके का लाइनर वगैरह, तो मैंने यार इसको क्लिक करके ओपन करके देख लिया कि यार ये है क्या। ठीक है, तो मैंने वहाँ से लाइनर कॉस्मेटिक, मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रही हूँ, तो लाइनर कॉस्मेटिक के वहाँ से मैंने ये इंस्टाग्राम पे पेज ओपन किया और वहाँ से ही मैंने ऑर्डर किया। सबसे पहली बात जो थी ऑर्डर करने से पहले वो ट्रस्ट एक इशू था, ट्रस्ट इशू था यार आया ही कॉस्मेटिक सेम होगी कि नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे रिव्यूज़ वगैरह नहीं देखे थे। बस फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। इसकी जो डील चल रही थी 2600 की पैकेज मुझे रिसीव हुआ है और 2600 तक के तीन चीज़ें थी जो कि मैंने ऑर्डर कर ली। ठीक है, तो लैशेस में थी दो चीज़ें सेम थी, लैशेस में डिफरेंट वैरायटी थी। लैशेस में जो मैंने ऑर्डर की हैं वो डेल्फ ऑर्डर की हैं, मुझे ये वॉल्यूम वाली मतलब हैवी लैशेस पसंद है। तो ज़्यादातर मैंने वहाँ पर जो देखी इस कॉस्मेटिक के पेज के ऊपर लाइना कॉस्मेटिक, यहाँ पर जो लैशेस थी वो लाइट वॉल्यूम की थी, मे बी लाइट वॉल्यूम की थी रखी हूँ कि इस जो लाइनर के साथ है वो स्टिक कर जाए। तो है क्या ये लाइना कॉस्मेटिक का, इसमें मेन जो पार्ट है वो है ये लाइनर जिसको आपने अप्लाई करना है और नो ग्लू, मतलब अब ग्लू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। ये कॉस्मेटिक जो ये प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि ग्लू की अब ज़रूरत नहीं होगी लैशेस अप्लाई करने के लिए, जिस तरह आपने लाइनर लगाना है एंड उसके ऊपर लैशेस को ऊपर रख देना है एंड लैशेस जो है वो स्टिक हो जाएंगी। इसके साथ ही ये गोल्डन सा एप्लीकेटर दिया गया है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्ट में हमें मिलती हैं। सही, तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेटर दिखाती हूँ, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से नज़र आ जाएगा। इस तरीके का एप्लीकेटर है इसका और इसी के साथ लैशेज हैं और ये लाइनर है। तो लाइनर को अगर मैं ओपन करती हूँ, ओपन करके आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग गोल्डन कलर की ये पैकेजिंग में अवेलेबल है। इससे पहले मैंने लाइनर एक और जगह पर देखा था एंड आई वॉज लाइक मैं बहुत दिल मेरा हो रहा था कि मैं इसको परचेज करूँ, बट वही सेम बात कि ट्रस्ट इशू कि आया ये चीज़ अच्छी होगी कि नहीं। वो अच्छा पेज था, मैंने उससे भी इंशाल्लाह देखूंगी, उससे भी ऑर्डर कर लूंगी, वो भी आपके साथ रिव्यू शेयर कर दूंगी। तो मैंने वहाँ से मैंने देखा था सेम इसी तरह का था, तो मैंने कहा यार यहाँ से मैंने जब देखा तो ये तीन का जो पैक था मुझे अच्छा लगा और मैंने ये ऑर्डर कर लिया। इस तरीके का ये अमेजिंग सा इसका ये लाइनर है जो कि गोल्डन कलर की पैकेजिंग में अवेलेबल है जिसके ऊपर लिखा गया है लाइनर कॉस्मेटिक। और यहाँ से ओपन करते ही इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे मिलती है, पॉइंटेड सी नोक है जहाँ पे ये लाइनर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके का ये लाइनर है, इसी के साथ ये लैशेस हैं। लैशेस को ओपन करती हूँ और आपको एक और बात बता दूँ कि लैशेस जो है ना वो आपने इसके प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 20 टाइम्स तक आप ये लैशेस यूज़ कर सकते हो, 20 टाइम्स तक आप ये वेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका रिव्यू मतलब जो अप्लाई करने का वो मैं कर चुकी हूँ, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ और वीडियो वो आगे अभी ऐड होगी, आप वो भी चेक कर लेना। तो इस तरीके की लैशेज हैं जैसा कि आपको नजर आ रही होगी, मैंने एक टाइम यूज़ किया, बट क्योंकि ग्लू हम जब अप्लाई करते हैं ना तो ग्लू का ये सीन होता है कि यार ग्लू अप्लाई करते ही लैशेस के ऊपर इतनी ग्लू लग जाती है कि सेकंड टाइम वो लैश जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है। तो आप अगर इसके ऊपर देखो तो बिल्कुल ग्लू आपको फील नहीं होगी, बहुत ही लाइट है, बहुत अमेजिंग 3D लैशेज हैं, इस तरीके की ये लैशेज हैं। तो मैंने ये वाला इसका जो था डेल्फ का ये वाला मैंने ऑर्डर किया था, तो ये मुझे रिसीव हो चुका। ठीक है, इसी के साथ मुझे एक और इंस्टाग्राम पे जैसे कि मैंने स्टोरी डाली थी हाईलाइट के अंदर, मैंने ऐड भी किया है, मैंने शेयर किया था कि मैंने ये प्रोडक्ट रिसीव कर लिया और इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू दूंगी। मुझे किसी का मैसेज आया था, मैसेज यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि इसी तरह आप डीपली जो है इसकी बता देना कि कोई और ब्रांड की फॉल्सीज के साथ भी ये लाइनर सूट करेगा कि नहीं, तो वो भी मैंने ट्राई किया है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, आप वो भी देख लेना। तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, वीडियो ज़रा क्वाइट लेंथी होगी, तो खैर बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो है, आप देख लेना। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें कुछ ऑर्डर कर ली। ठीक है, तो अमेजिंग है प्रोडक्ट, इनकी मिंक लैशेज हैं इनकी और चार इसमें डिफरेंट जो है वो इसमें अवेलेबल है डिज़ाइंस में,
तो ये लाइन मैंने परचेज किया, मैंने ले लिया, अब मैं आपको उसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ से ओपन करेंगे, इसकी क्वांटिटी किस तरीके से, अच्छा आपने यूज़ कैसे करना है इसको। सबसे पहले यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है, इसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद आपने इसको लेना है और जिस तरह आप नॉर्मल लाइनर अप्लाई करते हो वैसे ही इस तरीके से आपने लाइनर अप्लाई करना है। अब लाइनर अप्लाई करने के बाद आपने ये लैशेज़ लेनी है और लैशेज़ को लेते ही इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर देना है। विदाउट ग्लू अप्लाई किए लैशेस आपको नज़र आ रही होंगी, ये लग चुकी है, ठीक है। इस तरीके से लैशेस मैंने अप्लाई कर ली हैं विदाउट ग्लू के इस लाइनर से। अब अगर इसको मैं हटाती हूँ और थोड़ी देर तक, 2 मिनट 3 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, थोड़ी देर तक रुकते हैं एंड देन मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ कि आया दोबारा ये स्टिक होंगी कि नहीं होंगी। तो जी हाँ, दोबारा भी ये स्टिक हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो मे बी मैग्नेटिक लाइनर होगा, इस तरीके से ये हो रही है, बट मैग्नेटिक नहीं है यार, फिर लैशेस भी मैग्नेटिक होने चाहिए। तो इस तरीके से हैं। अब मैं दूसरी फॉल्सीज लेके आती हूँ और वो भी इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली तो मैंने लाइनर के साथ आपको अप्लाई करके दिखा दी है, ठीक है, लाइनर के साथ ही मैंने आपको अप्लाई करके यहाँ पे दिखा दी है। अगर इसके अलावा मैं दूसरी लैशेस की बात करूँ तो उनके साथ ऑलरेडी हल्की हल्की ग्लू इतनी लगी हुई है कि वो खुद ही स्टिक हो रही हैं। तो हाथ पे अप्लाई करना ये यूज़लेस होगा कि मैं आपको रिव्यू दूँ। विदाउट लाइनर के भी ये स्टिक हो रही हैं मेरी पास जो बड़ी हुई हैं, जो उनके ऊपर अपना जो ग्लू वगैरह लास्ट टाइम मैंने जो यूज़ की थी, न्यू वाली के ऊपर भी हल्का हल्का जो है वो स्टिक हो रही हैं। तो मैं इसको आइस के ऊपर ही अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी, आप वही देख लेना। तो इस तरीके से ये हाथ में मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है, ये इस तरीके से विदाउट कोई भी चीज़ मतलब अप्लाई किए, ग्लू अप्लाई किए, ये इजीली ये स्टिक हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये परचेज़ कर लिया है, मैंने कहा यार मैं रिव्यू दे देती हूँ आपको, आपको भी आइडिया हो जाएगा। जो भी रिव्यू दूँगी, रिव्यू ये नहीं होगा अच्छा रिव्यू है तो यार ये नहीं है कि यार मुझे किसी ने स्पॉन्सर्ड किया गया और मैं रिव्यू दे रही हूँ। मेरा ओन रिव्यू है, मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है जो कि मैंने अप्लाई किया है। रिव्यू का मतलब ही क्या होगा कि यार मेरा पर्सनल रिव्यू, तो ये नहीं सोचना कि यार किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया मैं वो रिव्यू दे रही हूँ, या अगर बुरा होता है तो ये नहीं सोचना कि यार मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ये तो मेरा वो मेरा दुश्मन नहीं है कोई भी, ठीक है। तो रिव्यू का मतलब ये होगा कि मैंने जो चीज़ अप्लाई की वो मैं पर्सनल रिव्यू दूंगी, क्योंकि जब आप भी परचेज करोगे, आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो अच्छी लगेगी तो आप बोलोगे यार अच्छी है, अच्छी नहीं लगेगी तो आप बोलोगे यार ये अच्छी नहीं है, आपको पर्सनल खुद ही रिव्यू पता चल जाएगा। तो मैं रिव्यू स्टार्ट करती हूँ, आगे अप्लाई करती हूँ, तो आप देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होंगी। गाइस, सबसे पहले मैंने क्या किया है, आई मेकअप मतलब नॉर्मल जो डिसेंट सा कैजुअल मेकअप होता है वो मैंने डन किया है। ज़्यादा आई शेड आंखों के ऊपर नहीं लगे हुए, आप देख सकते हो। और इसके बाद मैंने लिया है ये लाइनर कॉस्मेटिक का और इसको अच्छे से शेक करके इसको मैंने आईज़ के ऊपर अप्लाई किया है। जो लैशेस की जो लाइन है ना, मेरी ज़्यादा कोशिश थी उस लाइन के ऊपर अप्लाई करूँ, ऊपर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये लैश जब चिपकेगी तो फिर ऐसा ना हो कि ऊपर के एरिया पर एक अलग सफ़ील हो, नीचे से अलग और ऊपर से अलग। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक ही बार मैं इसको लैश को अप्लाई किया और यहाँ से स्टिक हो गई है, सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे हल्का सा जो है वो ज़रा मसला लग रहा है। मैंने इसको एप्लीकेटर लिया और इससे प्रेस करने की कोशिश की है, बट बिकॉज ये ग्लू नहीं है जो स्टिक हो जाए तो एक साइड से उखड़ने लग गई, तो मैंने सोचा एक कॉर्नर फिर से प्रेस कर लेते हैं, बट आप देख सकते हो इतनी अच्छी पक्की ग्रिप में नहीं आई। मैंने फिर इसको दोबारा से रिमूव किया, रिमूव बहुत ही मतलब सेकेंड में रिमूव हो गई, ठीक है। तो रिमूव करके मैंने कहा यार अब दोबारा से लाइनर को लेते हैं और शेक करते हैं और इस बार अच्छी क्वांटिटी इसके ऊपर अप्लाई करनी है। जब अच्छी क्वांटिटी अप्लाई होगी क्या पता उसके बाद ही स्टिक हो जाए, तो अच्छे से क्वांटिटी, क्योंकि इसके लाइनर के ऊपर भी लिखा हुआ है पहले अप्लाई करने से पहले शेक करना है। ये इसकी अपनी लैशेज हैं जो कि मैंने अप्लाई की हैं, आप देख सकते हो इतना वॉल्यूम इसका नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो नॉर्मल दूसरी लैशेज होंगी, मिंक लैशेज हैं, वो मैं अप्लाई करूँगी इसी लाइनर से, जैसा कि मुझे कहा था किसी ने कि दूसरी कंपनी की जो ब्रांड की फॉल्सीज हैं वो भी आप अप्लाई करके बताएं कि इस लाइनर से वो स्टिक होती हैं कि नहीं, तो वो भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। लैशेज मैंने उतार दी हैं और दोबारा से मैंने लाइनर को अच्छे से शेक किया है और दोबारा से मैंने इसको अप्लाई किया है अच्छे से। अब इस बार जो है ना थिक वाली कोटिंग जो है लेयर लिए और उसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैंने कहा यार खैर अब जो भी है ऊपर की तरफ लगता है लगने दो, बट अच्छा सा ज़्यादा मेरा एम्फसाइज जो मैंने किया है वो लैश लाइन बिल्कुल क्लोजर देन लैश लाइन मैंने अप्लाई किया, ताकि बिल्कुल फील ना हो कि ऊपर वाला सेशन एक अलग से फील हो। इस बार आप देख सकते हो लैश बिल्कुल एक ही बार में स्टिक हो चुकी है, इस तरीके से लैश स्टिक हो चुकी है, बट स्टिल ये इनर साइड है ना यहाँ पे ज़रा सा प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं यहाँ से प्रेस करूँ तो साइड से ऊपर हो जाए,
साइड से प्रेस करूँ तो इनर साइड फिर से ऊपर हो जाए, बट मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ इसको प्रेस करने की, सही से अप्लाई करने की। तो इस तरीके से फाइनली इसको इस तरीके से अप्लाई करने के बाद, एप्लीकेटर को प्रेस करने के बाद, फाइनली ये लैश इस तरीके से लग गई हैं। ठीक है, थोड़ी सी मतलब जो नॉर्मल लैशेस के मुकाबले में बात करूँ, नॉर्मल लैशेस मैं ग्लू से अप्लाई करती हूँ, उससे ज़्यादा इसकी मेहनत थी, मतलब वो मेरे से बहुत ईजिली अप्लाई हो जाती हैं, एक ही बार जस्ट प्रेस करती हूँ अच्छे से हो जाती हैं। बट ये वाली ना थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था इसको अप्लाई करने में। तो इस तरीके से ये लैश अप्लाई हो चुकी है फाइनली, इस तरीके से आप इसका लुक दे सकते हो। जस्ट आउटर कॉर्नर है वो अभी भी हल्का सा लग रहा है, बट सही है, ओके है। ठीक है, अब मैं आती हूँ दूसरी लैश के ऊपर, जो नॉर्मल मेरी रेगुलर फॉल्सीज हैं, विदाउट मैं लाइनर के ऊपर एक और कोट अप्लाई किए, इसी के ऊपर जस्ट मैं अप्लाई करके देखती हूँ कि वो फॉल्सीज अप्लाई होती हैं कि नहीं। उतारने के देख लें, आपने दो मिनट में ये उतर भी गई हैं, सिर्फ दो मिनट भी नहीं लगे यार, सेकेंडों में उतर गई हैं, दो सेकेंड में उतर गई हैं। तो ये दूसरी वाली फॉल्सीज ली हैं और मैंने जस्ट इसके ऊपर, मैंने कहा मैं इसके ऊपर रख के देखती हूँ स्टिक होती हैं कि नहीं। तो यस, ये स्टिक हो रही थी इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप कितनी जल्दी स्टिक हो गई हैं फॉल्सीज। जो ये मैंने वाली दूसरी वाली लगाई हैं, जो दूसरी हैं ये ना विदाउट ग्लू भी मैंने अप्लाई किए, ग्लू वगैरह कुछ भी नहीं था, न्यू फॉल्सीज हैं जो कि मैंने कहा न्यू होनी चाहिए, ताकि मैं लगा के इसको चेक करूँ ये वाकई वर्क कर रहा है लाइनर कि नहीं कर रहा। तो यस, ये लाइनर हर फॉल्सीज जो भी आपके पास हैं लैशेज़ हैं, हर जो लैशेज हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सारी लैशेज वर्क कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई की है, ये वाली देखें बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो चुकी है, ज़रा लाइट थी, बिल्कुल लाइट सी हैं, तभी ईजिली अप्लाई हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो है मैंने इसको हटा दिया, मिंक वाली जो लैशेज हैं मैंने अपनी दोबारा हटा दी। तो लगाना और अप्लाई करना बहुत ईजी था, अभी वाली जो है ये इसकी अपनी है। ठीक है, ये इसकी अपनी वाली है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन लैशेज हैं, जो नॉर्मल दूसरी वाली मैंने ली है, एक और मिंक की लिए, इसकी अपनी वाली मैंने लगा दी, अब दूसरी मिंक की एक और सेकंड वाली ली है, मैंने आपको क्लीन करके दिखाया कि इसके ऊपर कोई भी ग्लू नहीं है। इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से बिल्कुल हो रही है फिक्स। अब मैं बात करूँगी कि यार आप इसको किस तरीके से यूज़ करो, कैजुअल के लिए मैं बोल सकती हूँ आप इसको यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल कैजुअल मतलब कोई छोटा सा कहीं पे भी आप जा रहे हो, छोटी सी यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब आप घंटे के लिए कहीं जा रहे हो तो आप एक वन एन आवर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आया ये कितनी देर तक स्टे करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ कि कितनी देर तक ये स्टे करेंगी, तो स्टे का आगे बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, पहले लैशेज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। लैशेज़ जो हैं इसकी, जो दूसरी वाली लैशेज़ हैं वो भी मैंने अप्लाई कर रही हूँ एक आँख पे, एक साइड पे, और सेकंड साइड पे जो है वो मैं इसकी अपनी जो लैशेज़ हैं लाइना कॉस्मेटिक की वो अप्लाई कर रही हूँ। इस बार जो है बाहर की जो लैशेज़ हैं, जो इसकी अपनी नहीं है, ब्रांड की नहीं है, मिंक लैशेज, मिंक मैं बोलूँगी, उसकी लैशेज़ मैंने अप्लाई की हैं और वो बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गई हैं। जो इसकी अपनी लैशेज़ हैं मे भी वो ज़्यादा वॉल्यूम की थी, तभी वो ज़्यादा जल्दी स्टिक नहीं हो रही थी, जो मिंक लैशेज़ थी वो जल्दी से मतलब जल्दी से ग्रिप में आ गई। बट इतनी आप देख सकते हो एजेस भी इसके सही से लग गए हैं और इनर साइड पे दोनों लैशेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली जो लैश है ये वाली इसकी अपनी लाइना कॉस्मेटिक की इस तरीके से लगी हुई है, और ये वाली जो दूसरी लैश है ये नॉर्मल मेरी बाहर वाली लैश है, ये मैंने ये अप्लाई की हुई है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देख लें, बाहर वाली साइड से एजेस से हल्का सा मतलब कि हट रहा है, ज़्यादा देर तक नहीं लगेगी। तो इसका ओवरऑल रिव्यू ये है, जब आपने इसको अप्लाई करने है पहले तो टाइम बहुत लगेगा अप्लाई करने में, यस ये वर्क करती हैं, दोनों लैशेज़ के ऊपर वर्क कर रही हैं, बट दोनों लैशेज़ के ऊपर आपने लाइनर की क्वांटिटी ज़्यादा अप्लाई करनी है, थिक क्वांटिटी अप्लाई करनी है तभी ये लगेंगी। और इनर और आउटर का आपने ये ध्यान रखना है कि आधा घंटा भी मुश्किल से होगा, आप इस तरीके से देख सकते हो आधे घंटे से ये पहले ये यहाँ से उतरना शुरू हो गई है, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं स्टे करें। अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर और ज़ोर से मतलब बाइक पर बैठे हुए तेज़ हवा चली और आपकी आंखों पर हवा लगेगी, लैश मुझे लगता है कि एक लैश ना उड़ के कहीं और किसी और के मुंह पे जा के लग जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा पॉइंट नहीं दूंगी। तो ये था इसका ओवरऑल रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।